हाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल राहुल कुमार लेक्चरर 2020। इसे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। अभी मैट्रिक्स का सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 के गणित के सूत्र निर्धारक, इसका हम सूत्र बताएंगे कुछ। परिभाषा प्रमेय मैट्रिक्स ए इक्वल टू अब यू 11। ए इंटू ए का निर्धारक इस प्रकार दिया जाता है कि ए सारणिक 11 इक्वल टू ए 11 मतलब ए एक एक, जो ए एक एक दो दो लिखते हैं ना, वैसी में से ए 11 जो है वो ए एक एक है। ठीक, नंबर दो, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए सारणिक ए निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करेगा। नंबर वन, ए सारणिक ए डैश इक्वल टू ए, जहाँ ए ट्रांस इक्वल टू ए का स्थानांतर, मतलब कि जो इधर ए डैश है तो उधर ए बचेगा, मतलब कि एक ए ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर -1 लग जाता है, जो उसे स्थानांतरण हो जाता है, उसी को बोलते हैं। यदि हम किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को बदलते हैं तो निर्धारक परिवर्तनों का संकेत है, मतलब कि जब हम स्तंभ को पंक्ति में करते हैं, पंक्ति के समूह में निर्धारक परिवर्तनों का संकेत है। क्वेश्चन नंबर तीन, यदि कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान या समानुपाती हैं तो निर्धारक का मान शून्य होता है। दो पंक्ति और दो स्तंभ समान हैं तो उनका मान शून्य होता है निर्धारक मान। यदि एक पंक्ति यानी तांक के प्रत्येक तत्व को निरंतर के से गुणा करते हैं तो निर्धारण का मान के से गुणा हो जाता है। जैसा कि हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं, ए इक्वल टू सारणिक 1 2 3 4। ठीक, इसमें अगर हम के का यहाँ पास गुणा कर देंगे तो ये सम में के का गुणा हो जाएगा, इक्वल टू सम में गुणा हो जाएगा। देखते हैं, ए इक्वल टू के 1 के और 2 के 3 के और 4 के, इस तरह का हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अब सूत्र देख लेते हैं। मैट्रिक्स का निर्धारक ए इक्वल टू अब यू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के रूप में विस्तार किया जाता है, मतलब किस हल कैसे करेंगे जो क्वेश्चन करते हैं। तो ए सारणिक ए इक्वल टू सारणिक a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू, जब a1 को हम ले लेते हैं ना तो फिर ये b2 b3 c2 c3 बचता, फिर माइनस b1 में माइनस होगा और c1 में प्लस होगा इसका, कि जब एक एक यहाँ रहेगा, यहाँ 1 2 रहेगा, 1 3, फिर जब जोड़ेंगे ना तो उसके अनुसार हम यहाँ माइनस करते हैं। जैसा कि ए 11 है और यहाँ बी 1 2 जैसा कि ए 11 ए 12 ए 30 इनका हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो ए 1 + 1 = -a^2 इक्वल टू ए, ठीक, दूसरा -a^(1+3) तो इसमें माइनस ए होगा तो फिर पावर में 1+2 यहाँ 3 था तो 4 हो जाएगा, तो ये उसका हो गया माइनस ए है तो जब इसमें घात 4 है तो सम है तो ये माइनस हट जाएगा, इसीलिए ए
बचेगा। प्लस यानी कि ए है तो यहाँ पास जब चार है तो फिर जब निकालेंगे इसको बाहर तो प्लस आ जाएगा, ठीक। अब ए माइनस तीन बारे में देखते हैं, ए माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर, ओ यहाँ सॉरी यहाँ हम देखते हैं माइनस ए की पावर वन प्लस टू इक्वल टू माइनस ए की पावर थ्री, ठीक। जब माइनस ए की पावर तीन रहेगा तो ये माइनस ए ही ना बचेगा, उस प्रकार है। कहिए यहाँ पास माइनस बी हो गया, यहाँ पास माइनस बी, फिर आगे इसके आगे फिर जब माइनस बी ले लिए तो फिर यहाँ पास ए वन ए थ्री बचा, सी टू सी थ्री बचेगा, ठीक। और जब प्लस सी वन ले लेंगे तो फिर ये इधर का छोड़ जाएंगे तो बी ए टू बचेगा, बी टू बचेगा, सी थ्री बचेगा और बी थ्री बचेगा, ए टू बी टू सी थ्री बी थ्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री, ये उसमें दिया रहता है ना, इसका सूत्र लगाते थे कि डेल इक्वल टू वन अपान टू सारणी का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री एक एक, मतलब उदाहरण के लिए अगर यहाँ पास एक है, यहाँ पास दो और इसके जगह पे दो, इसके जगह पे तीन, इसके जगह पे चार और पाँच, तो यहाँ पास रख के उस फिर हल कर लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, तीन नंबर में, ये तीन नंबर में है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई प्लस जे एम आई जे द्वारा दिए गए ए आई जे का कोफैक्टर, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए सूत्र जो वहाँ भी हम बताए ना ऊपर, बस उसी में आई का मान एक रखें, फिर जे फिर अगर यहाँ माइनस रहेगा तो जो प्लस में हो जाएगा, तो वहाँ पास जैसे बताया था ना हम यहाँ ये ऊपर इस वाले में यहाँ पास, ठीक उसी प्रकार का है। नंबर चार, यदि ए इक्वल टू अभी ए ग्यारह मतलब ए एक, ए एक दो, ए एक तीन, ए टू, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, फिर एडजेक्टिव ए, हाँ इसका एडजेक्टिव निकालने के लिए बड़ा, ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, ए वन टू, ए टू टू, ए थ्री टू, ए थ्री, ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ठीक। जहाँ एक आई जे, एक आई जे का कोफैक्टर है, मतलब कि यहाँ पास ये कोफैक्टर, मतलब ये जो एडजेक्टिव निकालते हैं ना, मतलब कि इसका एडजेक्टिव ये होगा, ठीक। उसी प्रकार इसको पंक्तियों को समूह कर देते हैं, समूह को पंक्ति में यहाँ पास अभी कर दिया, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर बताएंगे। नंबर पाँच, ए इनवर्स इक्वल टू वन अपान सारणिक ए एडजेक्टिव ए, ये सूत्र है। जब हम कोई क्वेश्चन करते समीकरण वाले मैट्रिक्स में आते हैं ना क्वेश्चन, तो जब उनमें हम हल करते हैं तब ये सूत्रों का उपयोग होता है, करे होंगे तो देख लेंगे होंगे। यदि वन एक्स ए वन, यहाँ पास ए होगा लिखा नहीं, ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन एक्स टू डी वन ए टू एक्स प्लस बी टू बाई सी टू जेड डी टू ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री बाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री हो, तो ये समीकरण लिखे जा सकते हैं एक्स बी के रूप में। ये जो हम अभी बता रहे हैं ना सारणिक, जो सारणिक जैसे जैसे हम इस तरह का रहता ना है कि थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव, इस तरह के समीकरण रहेंगे तो हम इन्हें इस रूप में बनाएंगे, इस रूप में हम इन्हें बना लेंगे,
तो जो शुरू में बताया ना इधर a1 a2 a3 से जो इक्वल टू के पहले होगा तो यहाँ पास आ जाएंगे, और जो x बाई जेड में जैसे वहाँ हमने x बाई जेड तक बताया तो यहाँ पास आ जाएंगे, और जो लास्ट में यहाँ मैंने हम 5 बताया तो वो लास्ट में जो रहेगा बराबर के उस पार वो यहाँ आ जाएगा बी नंबर में। ठीक, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर सब समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिक्स समीकरण AX इक्वल टू बी में एक वर्ग मैट्रिक ए के लिए। नंबर 1, सारणी के एक नॉट इक्वल टू 0 अद्वितीय समाधान मौजूद है। नंबर 2, सारणी के इक्वल टू 0 और एडजेक्टिव ए बी एंड ओ है तो कोई समाधान मौजूद नहीं है। नंबर 3, ए सारणी के इक्वल टू 0 और एडजेक्टिव ए इक्वल टू 0, हाँ वहाँ वो नहीं होगा, 0 होगा, 0, तब सिस्टम सुसंगत हो सकता है या नहीं भी, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आएगा। दोस्तों आप शेयर करिए, कमेंट लाइक, जो क्वेश्चन ना बने तो कमेंट करके पूछिए, सूत्र में कौन सा कहाँ क्या होगा। ठीक दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, जल्द जो नए नए वीडियो आएंगे और जो आपको ज़रूरत होगी उसका हम उस तरह का वीडियो बना के आपको भेज दिया करेंगे। कमेंट में आप बता दीजिएगा, इस सूत्र में जो ना समझ में आए बताइएगा। चलते हैं।